अस्सलामुअलैकुम। और आज हम आ चुके हैं डिकेथलॉन। आप देख सकते हैं कि बेबी कैसे एंजॉय कर रही है। वैसे तो हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, पर बेबी का बहुत ही मन कर रहा था कि बाहर जाए घूमे, और वो बोर हो रही थी घर में। और वैसे भी मैं ज़्यादा करके मेरे बच्चों को बाहर नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि ये जो वायरस चालू है आजकल, जो हमारे बीच में एक नया वायरस आया है, अभी तो ओमिक्रॉन है और पुराना वायरस है जो करोना है, इसी की वजह से मैं मेरे बच्चों को बाहर नहीं लेके जाती हूँ। ज़्यादा करके अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास भी नहीं, हम ज़्यादा गेट टुगेदर भी नहीं करते हैं, हम हमारे घर में ही रहते हैं। तो कभी कभी वहाँ पे हम आना जाना करते हैं। और ये तो मैं और मेरी बेबी फर्स्ट टाइम ही गए थे, क्योंकि इससे पहले मेरे दो बेटे और मेरे हस्बैंड जाके आ चुके थे। तो हमने डिसाइड करे कि चलो कहाँ जाएँ, ऐसी कौन से प्लेस है जहाँ पे ज़्यादा क्राउड ना नहीं होगा, ज़्यादा लोग नहीं होंगे। तो ऐसी जगह देख के हम उसको डिकेथलॉन लेके गए। और डिकेथलॉन जो है अभी हमारे घर के करीब ही हो गया है, तो हम कभी भी वहाँ आ जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो इससे पहले तो काफ़ी दूर था, हमारे घर से बहुत ही दूर था, तो हम जा नहीं पाते थे, बहुत ही मतलब टाइम लगता था, और बाइक पे आना जाना तो ट्रैफिक में नहीं जमता था। इसलिए अभी यही नज़दीक में है, हमारे घर के करीब ही है। तो फिर हम वहाँ पहुँचे, फाइनली हम पहुँच के वहाँ पे हमारी जो शॉपिंग है, मतलब हमारा जो हलू हो गया, बेबी यहाँ से वहाँ रन कर रही थी जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। तो मेरे हस्बैंड की तो शॉपिंग ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीज़ें जो है स्पोर्ट्स की मिलती है, तो ये स्पोर्ट्स स्टोर है, तो जैसे कि स्विमिंग है, योगा है, जिम है, कुछ ट्रैकिंग की चीज़ें, तो ये स्पोर्ट शॉप है, मतलब बहुत बड़ा शॉप है, मतलब बहुत बड़ा मॉल है। हम बेबी को समझा रहे थे कि नहीं बेबी यहाँ हाथ नहीं लगाओ, तो हम चलो निकलते हैं यहाँ से। तो हम निकले और हम पहुँचे जू बीच पे। तो हम बेबी को डिकेथलॉन से हम बेबी को बीच पे लेके गए, और हम पहुँचते ही हमें पता नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। और आप सामने देख ही सकते हैं कि हमारे सामने है जो हम पुलिस खड़ी है, और वो सबको एक एक को वहाँ से जाने बोल रही थी, क्योंकि बीच बंद हो चुका था, क्योंकि बीच का टाइम ख़त्म हो गया था। बीच का टाइम है कुछ 6 बजे तक, उसके बाद बीच पे अलाउड नहीं है। तो जो हमारी पुलिस है वहाँ पे खड़ी रह के सबको वहाँ से जाने बोल रही थी, तो हमें भी निकलना पड़ा। और देखिए जी, हम इतने सैड हो गए कि हमें क्या करें। फिर हमने डिसाइड करे कि हम दूसरे बीच पे जाएंगे, तो हम दूसरे बीच के लिए निकल गए। तो हमारे साथ आज पता नहीं क्या हो रहा था। और ये देखिए, ये बीच का जो बहुत बड़ा मंदिर है, हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर, तो मैंने उसकी भी शूटिंग कर ली। देखिए कितना बड़ा है और कितना प्यारा है। और खैर, हम आगे बढ़ रहे थे, वहाँ से हम बढ़ते सिल्वर बीच पे गए, पर हमें वहाँ पे भी पता चला कि यहाँ पे भी बंद हो गया। फिर हम वहाँ से और एक बीच पे गए, तो वहाँ पे भी हम जाके, हमारी बेबी बोल रही है कि मेरी टोपी दिख रही है वीडियो में, तो मैं बोली हाँ टोपी दिख रही है। देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बंद हो गया, और फाइनली हमें हमारे घर जाना पड़ा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, हमें घर ही जाना पड़ा, क्योंकि हर जगह पे सब बंद कर दे रहे थे। इसी के साथ मैं मेरा वीडियो एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।